प्रदेश में 4 नवंबर को भाजपा बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। जिला स्तर पर होने वाले इस आंदोलन से पहले ही बिजली को लेकर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता के जरिए भाजपा के दिग्गज नेताओं पर इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सस्ती बिजली का लाभ लेने का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और MIC सदस्य सहित भाजपा के कई पार्षद कमलनाथ सरकार द्वारा लागू की गई है इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ ले रहे हैं। यही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय के घर पिछले 6 माह से 0 रीडिंग का बिल आ रहा है और वर्तमान में भी इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 40 रुपए सब्सिडी घटाकर सिर्फ 93 रुपए का बिल आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या आप मीडिया के सामने लाना चाहते हैं? आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ 4 तारीख को बिजली के बिलों की होली जलाने वाले हैं और सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश भर में जलाने वाले हैं। उनका यह कहना है कि बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए हैं, तो उसी बात को लेकर आज हम ये प्रेस वार्ता ले रहे हैं आपके समक्ष और आम जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि बिजली के बिल माफ़ नहीं हो रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय, इंदौर शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई पार्षद, कई MIC मेंबर्स, कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ ले रहे हैं जिनके बिजली के बिल 100 रुपये से भी कम आए हैं। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का घर का बिल 0 रीडिंग का विगत 6 माह से आ रहा है, तो ऐसा क्या उन्होंने मीटर में कर रखा है कि जिसके कारण उनका बिजली का बिल 0 आ रहा है? तो वो ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता को भी बताएं ताकि जनता को भी मालूम पड़े कि 0 रीडिंग का बिल कैसे आता है और मात्र 98 रुपये का बिल, उसमें भी सब्सिडी उनको मिली हुई है 40 रुपये की इंदिरा गृह ज्योति योजना माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से। तो ये आम जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता के बीच में जाते हैं और बेवजह के मुद्दे उठा उठा कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी प्रयास को आज हमने विफल करने के लिए हम आपके समक्ष बैठे हैं। हमने सारे प्रमाण दिए हैं, कई MIC मेंबर्स हैं जिनके भी मीटर के बिजली के बिल यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप सभी को देख लीजिए, प्रमाणित हैं और ये सब मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से ही बिजली के बिल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपका नाम? विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।